नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 12 जिलों में 22 सोशल साइटों पर 3 दिन के लिए बैन। फेसबुक ट्विटर का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। सड़क मार्ग से बिहार आने वाले 6 राज्यों के लोगों की होगी कोरोना जाँच। बढ़ते मामले पर सरकार चौकस। लगातार बारिश व नेपाल से पानी छोड़े जाने पर बिहार के बिगड़ने लगे हालात। नदियों में उफान। बिहार में संभावित बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू। 20 जिलों में NDRF, SDRF की 25 टीमें तैनात। बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां राज्य सरकार ने 12 जिलों में इंटरनेट पर लगाम लगाते हुए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप समेत 22 सोशल साइटों और एप्स पर 17 जून की दोपहर 2 बजे से 19 जून तक किसी तरह का मैसेज के आने जाने को बैन कर दिया है। इस दौरान YouTube पर वीडियो अपलोड पर भी रोक लगा दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इंटरनेट के जरिए मैसेज के लेन देन को रोकने का यह आदेश जारी किया है। जिन जिलों में यह रोक प्रभावी रहेगी उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण जिला शामिल है। यह पहला मौका है जब सरकार ने एक साथ बिहार के कई जिलों में सोशल साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक एक साथ 12 जिलों में सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अगले 48 घंटों के लिए जिन जिलों में सेवाएं बंद रहेगी उनमें कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय और वैशाली और सारण शामिल है। 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद इन राज्यों से घर लौटने वाले का कोरोना जांच करेगा स्वास्थ्य विभाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सूबे के सभी सिविल सर्जन को प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां से आ रहे लोगों की कोरोना जाँच हो। उन्होंने कहा है कि जो कंट्रोल रूम है उसे फिर से चालू करे। इसके अलावा स्टेशन, बस स्टैंड और ग्रामीण इलाकों में जांच केंद्र बनाएं। इसके लिए CHC व PHC प्रभारी को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। लगातार हो रही बारिश व पड़ोस राज्य नेपाल से पानी छोड़े जाने को लेकर अररिया जिले के पलासी प्रखंड के अंतर्गत बहने वाली बकरा व रतवा नदी का जलस्तर बेतहाशा वृद्धि होने से बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में लोगों में दहशत है। बकरा के जलस्तर में वृद्धि होने से चतराधार में पानी आ जाने के कारण पुल निर्माण कार्य स्थल पर बना डायवर्सन में पानी का तेज बहाव से लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकरा नदी के बाढ़ से प्रभावित होने वाले गाँव बच्चा खाड़ी, धर्मगंज, भट्टाबाड़ी, छपेनिया, खपराबाड़ी, सेहादी, पिपरा, बिजवाड़, बकैनिया, कोढ़ोली, पश्चिम ककोड़वा सहित अन्य गांव शामिल है। बकरा नदी के जलस्तर में वृद्धि होते देख उक्त गांव के लोगों को बाढ़ आने से पूर्व ही चिंता सताने लगी है। वहीं दूसरी ओर रतवा नदी के जलस्तर में वृद्धि होते देख वृद्धि काशीबाड़ी, गोसाईपुर, बढ़ौली, सतघरा, मानपुरा, नरकट खुर्द, मियांतपुर, डकैती कॉलोनी सहित अन्य गांव के लोगों को भी बाढ़ पूर्व नदी में पानी का उफान देखने पर ही बाढ़ की खतरा से दहशत व्याप्त है। वहीं CO विवेक कुमार मिश्र ने संबंधित कर्मचारी को अपने अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों को पूर्व सूचना देने का निर्देश दिया है। राज्य में मानसून के प्रवेश करते ही पहले फेज में संभावित बाढ़ से प्रभावित 20 जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग के दिशा निर्देश पर NDRF की 7 और SDRF की 18 टीमों को गुरुवार की देर शाम तैनात कर दिया गया है। दोनों टीमों को मिलाकर कुल 875 से अधिक ट्रेंड जवानों को बाढ़ के दौरान लोगों तक राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। जवानों को कोरोना गाइडलाइन के तहत काम करना है, इस कारण से उन्हें PPE किट, मास्क व सैनिटाइजर सहित राहत कार्य में जरूरत की सभी सामग्री दी गई है ताकि बाढ़ के दौरान हर व्यक्ति तक इनकी पहुंच हो सके। जवानों के पास लगभग 20 बोट एवं 180 लाइफ जैकेट है। इनकी मदद से बाढ़ के दौरान लोगों को निकालना आसान होगा। कोरोना से बचाव के लिए अतिरिक्त मास्क और सैनिटाइजर भी दिए गए हैं। इन जिलों में पहुंची NDRF की 7 टीमें तैनात की गई है। NDRF की टीम मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सुपौल, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, पटना के दीदारगंज में भेजी गई है। वहीं शुक्रवार को भागलपुर में भी एक टीम पहुंच जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक कुल 18 टीमों को बाढ़ के दौरान कामकाज में लगाने का निर्णय लिया गया है।
बिहार में सड़क हादसों को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने नई योजना बनाई है। इसके तहत हर जिले में एक स्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में शुरू की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नियमावली जारी कर दिया है। वीर कुंवर सिंह पार्क के 4900 वर्ग फुट में अगस्त से एजेंसी के माध्यम से इस पार्क को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही बाकी जिलों में धीरे धीरे काम शुरू किया जाएगा। यह बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। अभी गया पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क चल रहा है, जहां सबसे अधिक स्कूल व कॉलेज के छात्र पहुंचते हैं। ट्रैफिक पार्क में बच्चों व युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पार्क में सड़क, छोटा फुट ओवर ब्रिज, डमी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, साउंड सिस्टम सभी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं ट्रैफिक पार्क में सड़क के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, यू टर्न जैसे साइनेज, छोटे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, स्कूल, बस स्टॉप आदि का डमी निर्माण, लैंप पोस्ट व लाइटिंग की व्यवस्था, अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार और प्रोजेक्ट के साथ रोड सेफ्टी क्लासरूम आदि की सुविधा होगी। उत्तर बिहार के अधिकतर हिस्सों में बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून के बढ़ते प्रभाव से दक्षिण बिहार में 16, 17 और 18 जून को गर्जन, ठनका, तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक पटना सहित समूचे दक्षिण बिहार में मानसून का आगाज 16, 17 जून तक होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आशीष कुमार के मुताबिक अगले तीन दिन दक्षिणी बिहार के लोगों को मौसमी आपदाओं से सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को ठनका और दूसरी प्राकृतिक आपदा से बचाव से जुड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। आशीष कुमार के मुताबिक आगामी 48 घंटे में बिहार के अधिकतर इलाकों में मानसून की सक्रियता के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि बिहार में तापमान चरम पर है। अत्याधुनिक उपकरणों और हाईटेक आईसीयू की सुविधा से लैस पटना के बेहटा में अम्हारा स्थित एनएसएमसीएच में अब नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी जैसी सुविधाएं निशुल्क दी जाएंगी, जिसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों को मिल सकेगा। गुरुवार को अस्पताल के प्रचार डॉक्टर अरविंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनीता सहाय, डॉक्टर अनामिका पांडे एवं पवन सिंह ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रचार डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने बताया कि इससे उच्च गुणवत्ता वाले डिलीवरी के उपचार में मदद मिलेगी और जरूरतमंद लोगों को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ साथ नवजात शिशु के हर प्रकार की सर्जरी की सुविधा अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा संचालित की जाने लगी है। सीएम नीतीश कुमार के सामने बेबाक अंदाज में अपनी शिक्षा की मांग करने वाले सोनू का एडमिशन राजस्थान के कोटा में हो गया है। सोनू कोटा में रहकर एलन एकेडमी में पढ़ाई करेगा और अपने आईएएस बनने के सपने की ओर आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि सोनू के चाचा ने 12 जून को उसका एडमिशन एलन एकेडमी में कराया है। यहां सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्चा एलन के डायरेक्टर ब्रिजेश महेश्वरी उठाएंगे। इस बात को खुद महेश्वरी ने ही बताया है। सोनू के चाचा रंजीत कुमार ने बताया कि एलन एकेडमी में सोनू का एडमिशन कराया गया है। उसका दाखिला 6 क्लास में हुआ है। अब उसके पास अच्छा मौका है, जिससे वह मेहनत कर आगे बढ़ेगा। संस्थान के डायरेक्टर ने सोनू की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। बता दें कि सोनू से एडमिशन चार्ज भी नहीं लिया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर से झटका लगा है। सरकार की तरफ से तबादलों को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके बाद नियोजित शिक्षक के थोड़े निराश हो सकते हैं। लंबे अरसे से जिले से बाहर तबादला का इंतजार कर रहे स्कूली शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को अभी और इंतजार करना होगा। इनका जिलों से बाहर अभी तबादला नहीं होगा। जिलों से बाहर तबादला के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अभी वेब पोर्टल तैयार कराया जा रहा है। फिलहाल जिस नियोजन इकाई में शिक्षक कार्यरत है, उसी नियोजन इकाई के अंदर के स्कूल में इसी जून महीने में तबादला हो सकता है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के डीईओ को लेटर भेजा है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षिका और अपने या दूसरे जिलों के नियोजन इकाई में उपलब्ध रिक्त पद पर एक बार इच्छा अनुसार तबादला की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्षों को दूसरे जिले में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा देने का प्रावधान है।
कोरोना ने बिहार में एक बार फिर अपने पांव फैला दिए हैं। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही है, लेकिन होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते 10 दिनों के अंदर कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या करीब दोगुनी हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना पोर्टल के मुताबिक मंगलवार तक जिले में कोरोना के 90 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 88 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि एक मरीज PMCH व दूसरा पटना एम्स अस्पताल में भर्ती है। हालांकि दोनों ही अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज भर्ती हैं वे अस्पताल में दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए थे, लेकिन जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं वर्तमान पॉजिटिव मरीजों में सबसे अधिक 19 मरीज शहर के कंकड़बाग के हैं, बाकी मरीज शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं। राज्य में 24 घंटे के अंदर कुल 26 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 17 नए संक्रमित सिर्फ पटना जिले के हैं। गोला रोड में एक ही परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। 24 घंटे में 7 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। गया व मधेपुरा में 2-2 और खगड़िया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण और पश्चिमी चंपारण में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इसके साथ ही राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।